हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इतना सब होने के बावजूद चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी आप नीरज राजपूत को सुन रहे थे, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, ये बात भारत बहुत अच्छी तरह से जानता है। और उसी का नतीजा है एलएसी पर भारतीय वायुसेना की गर्जना इस दावे के साथ कि सिर्फ 8 मिनट में वो दुश्मन पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। एबीपी न्यूज भारतीय वायुसेना के लाइन ऑफ कंट्रोल के एक फॉरवर्ड जो हम देख रहे हैं भारतीय वायुसेना का सबसे एडवांस भारत और चीन की सीमा पर तनाव की स्थिति तब से भारतीय वायुसेना के एयरबेस हैं वो सभी पूरी तरह से अलर्ट हैं। डिसएग्रीमेंट शुरू भी हो गया, इसके बावजूद भी भारतीय वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि भारतीय वायुसेना और आप सोच रहे होंगे कि जब एक दिन पहले ही चीन की सेना गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हट गई, फिर भारतीय सीमा के लड़ाकू विमानों की यह गर्जना क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको 58 साल पहले की एक न्यूज हेडलाइन फिर से देखनी होगी। लिखा था भारतीय जवानों के हौसले के सामने चीन के जवान गलवान पोस्ट से पीछे हट गए। ये खबर 15 जुलाई 1962 को अखबार की हेडलाइन बनी थी, लेकिन उसके 3 महीने बाद 20 अक्टूबर 1962 को चीन के 2000 जवानों ने गलवान पोस्ट पर हमला कर दिया। हमले में जाट रेजिमेंट के 30 जवान शहीद हो गए। तब चीन ने तत्कालीन मेजर श्रीकांत हसाबनीस के साथ 12 भारतीय जवानों को बंदी बना लिया था। और 58 साल के बाद फिर से वही गलवान घाटी भारत और चीन के बीच खूनी संघर्ष की गवाह बनी है। चीन ने तब भी विश्वासघात किया था और आज भी चीन की नियत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन चीन तब जिससे उलझा था वो 1962 का भारत था और अब ये 2020 का न्यू इंडिया है। यही वजह है कि चीन के बयान देने के बाद भी भारतीय वायुसेना के विमान एलएसी के करीब कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस वक्त हम फॉरवर्ड एयर बेस पर हैं, जहां पर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स, जो सुखोई फाइटर जेट्स हो या फिर मिराज 2000 हो, मिग 29 हो, सब कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस वक्त ये जो हम देख रहे हैं भारतीय वायुसेना का सबसे एडवांस ये यहां पर इस जगह पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यहां पर आते हैं फॉरवर्ड एयर बेस पर और फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलईसी पर जो एयर स्पेस है वहां पर दिन हो या रात हो इसी तरह से ही कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग करते रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि जो बिल्टअप किया है चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत ज्यादा किया है और उसने अपने जो एयरफोर्स के जो अपने एयर बेस है उनको भी अलर्ट पर रखा हुआ है। 5 मई को जब फिंगर एरिया में भारत और चीन के सैनिकों की पहली भिड़ंत हुई थी, तब चीन ने भारत के खिलाफ हेलीकॉप्टर्स की मनूवरिंग शुरू कर दी और इसी के जवाब में वायुसेना ने लड़ाकू विमानों को उतारा था जो अब तक एलएसी की निगरानी कर रहे हैं। सुखोई 30 एमकेआई की जो ताकत बढ़ी है वो उसकी में ब्रह्मोस मिसाइल जो इंटीग्रेट की गई है उसको लेकर है। ब्रह्मोस मिसाइल भी आप ले जाने में सक्षम है। सुखोई फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस मिसाइल भी लग चुकी है और उससे उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और हाल ही में इसी महीने के अंत तक भारतीय वायुसेना को रफाल लड़ाकू विमान की जो आखिरी जो पहली खेप है वो भी मिलने जा रही है, उससे भारतीय वायुसेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। एलएसी पर चीन पूरी तैयारी के साथ आया था, देखते ही देखते उसने गलवान और आसपास हजारों जवानों की फौज खड़ी कर दी थी, जिसके जवाब में भारतीय थल सेना ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट यानी चीन के बराबर सैनिक एलएसी पर पहुंचा दिए थे। और इसमें अहम योगदान दिया वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ब्लो मास्टर ने। भारतीय वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट है, भारतीय वायुसेना के ऑपरेशंस जारी हैं। इस वक्त एबीपी न्यूज भारतीय वायुसेना के लाइन ऑफ कंट्रोल के एक फॉरवर्ड जारी है। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लो पासर दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान भारतीय वायुसेना का वो यहां पर लैंड किया है। इन मालवाहक विमानों का C-17 का भारतीय वायुसेना ने जो हाल ही में जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ टकराव शुरू हुआ तो टैंक और सैनिकों को लाने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस्तेमाल किया गया। बड़ी तादाद में इन C-17 ग्लोब मास्टर ने भारतीय सेना के लिए यानी थल सेना के जो टैंक हैं और बाकी जो हैवी वेपनरी है उनको यहां पर लेकर आए।
खबर है कि चीन ने भारत से सटे अपने सभी एयरबेस को अलर्ट कर दिया है। इनमें लासा, होटान, नगरी गुनसा, निंगसी और शेनान शामिल हैं। चीन ने इन एयरबेस पर J-8, J-10 और J-11 के अलावा J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। इसलिए भारतीय वायुसेना 24 घंटे किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी कर रही है। हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, हमारी जो ट्रेनिंग है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम किसी भी सिचुएशन को फेस करने में सक्षम हैं। हमारे पास चुनौतियों से लड़ने के लिए सभी संसाधन मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना सभी ऑपरेशनल कार्यों को करने के लिए सभी पहलुओं के लिए तैयार है। सिर्फ दिन ही नहीं, रात में भी LAC पर वायुसेना के विमान मुस्तैदी से हवाई पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लड़ाकू विमान रात में भी गश्त लगा रहे हैं, तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे भी दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रहा है। रोज हम रात्रि में उड़ान भर रहे हैं, फॉरवर्ड हेलीपैड्स में लैंड कर रहे हैं। नाइट विजन गॉगल्स का यूज करके हम लोग फॉरवर्ड हेलीपैड्स में पूरे ईस्टर्न लद्दाख में लैंड कर चुके हैं। सो हमने अपनी ट्रेनिंग उस तरीके से मजबूत कर ली है। LAC पर चीन की वायुसेना के मुकाबले भारत को बढ़त हासिल है। भारत के सारे फ्रंटलाइन एयरबेस कम ऊंचाई वाले इलाकों में हैं। अंबाला, लुधियाना का हलवारा, जालंधर का आदमपुर, पठानकोट, भटिंडा, सिरसा और श्रीनगर एयरबेस LAC के करीब हैं। कम दूरी की वजह से ईंधन की जरूरत कम पड़ेगी, इसलिए कम ईंधन के बराबर वजन की अतिरिक्त मिसाइल भी लड़ाकू विमान में ले जा सकते हैं। ये बात चीन की सरकार और उसकी सेना जानती है, इसीलिए वो बातचीत की मेज पर लौटा है।